पिछले वर्ष विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल ने वापस कर दिया है, जिसे लेकर राज्य में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विधेयक में सुधार कर फिर से लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर सुधार करने को कहा था, लेकिन उस पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। झारखंड के सरकारी कार्यक्रमों में जोहार बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही राजकीय कार्यक्रमों में बुके देने की परंपरा को भी खत्म कर दिया गया है। बुके की जगह अब अतिथियों को पौधा और पुस्तक देकर स्वागत किया जाएगा। 4 दिन पूर्व धनबाद में घटी दर्दनाक अग्निकांड और यहां लोगों को स्तब्ध करने वाली घटना में डॉक्टर विकास हाजरा और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा समेत 5 लोगों की मौत को लेकर रेड क्रॉस भवन में डॉक्टर दंपत्ति की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपर संहर्ता बंधु कच्छप समेत रेड क्रॉस से जुड़े सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रेड क्रॉस से जुड़े कई डॉक्टर भी मौजूद रहे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। मौके पर अपर संहर्ता एवं कोषाध्यक्ष ने बताया कि दिवंगत डॉक्टर हाजरा दंपत्ति के चले जाने से धनबाद के लोगों के साथ साथ चिकित्सा जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से विमान सेवा का शुभारंभ हो गया है। जमशेदपुर से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए उड़ान भरी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निरसा के कालू बाथान ओपी क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई। ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक ने विकराल रूप ले लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। मुखिया राजीव मंडल ने बताया कि डीजे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण भी भड़क गए। ओपी प्रभारी मुकेश रावत ने लाठीचार्ज के आरोप को बेबुनियाद बताया है। निरसा के बैजना कोलियरी पर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद प्रबंधन के साथ मजदूर यूनियन की वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन ने मजदूर यूनियन को 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक आदिवासी दंपत्ति साइकिल यात्रा पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पूरे देश के भ्रमण पर निकले हैं। साइकिल यात्रा पर निकले आदिवासी दंपत्ति सुमन मरांडी और उनकी पत्नी लक्ष्मी मरांडी आसनसोल होते हुए दुमका के रास्ते पाकुड़ पहुंचे, जहां सांसद विजय हंसदा और उपायुक्त वरुण रंजन ने दोनों को शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सुमन मरांडी ने बताया कि 26 जनवरी से ही देशवासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले थे। निरसा के कालू बथान ओपी के सालुक चोपड़ा मोड़ पर अपराधियों ने पत्थर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यवसायी का नाम अशोक गोप बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।